हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा रेसिपी है मछली और परवल का। ये रेसिपी हम आपको बना के दिखाएंगे कि कैसे हम लोग बनाते हैं। आप लास्ट तक जुड़े रहिए हमारे साथ, बना के दिखाऊंगा। और गैस यार, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मछली का जो ये चोया होता है इसको निकाल लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग अच्छे से निकाल लेंगे, जितना भी है सारा चोया निकाल लेंगे इसका। और गैस इसका सारा चोया हम लोगों ने निकाल लिया है, अब इसको धो लेते हैं अच्छे से एक बार। और गैस अब इसका कटिंग कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये छोटा छोटा इसका सारा साइड का हटा लेते हैं। और इसका सारा ये मटेरियल निकाल देंगे अंदर का अच्छे से। और इसको एक पीस और कर देते हैं बीच से, इतना बड़ा बड़ा रखने वाले ऐसे ही सारा अंदर का निकाल लेंगे काट के साइड साइड का। और गैस ये हमारा पीस पीस हो चुका है, कटिंग हो चुका है। अब हम लोग परवल को छील लेते हैं। पूरे अच्छे से छील लेना है इसका, सारा ऐसे छीलेंगे हम लोग। और गैस ये हमारा सारा परवल छिल चुका है, इसको हम लोग कटिंग कर लेंगे। चलो गैस अब कटिंग करते हैं इसको। इस चार ही पल्ले में रखेंगे, ये साइड का भाग भी काट लेंगे हम लोग अच्छे से। ये छोटा जो रहेगा उसको ऐसे ही रख देंगे हम लोग। और गैस ये हमारा परवल, और गैस हमारा परवल और मछली का कटिंग हो चुका है। अब इसका रेसिपी बनाने के लिए हम लोग मसाला लेके आते हैं। चलो हमारे साथ मसाला लेके आते हैं। और गैस ये रहा हमारा रेसिपी बनाने का सारे मसाले। चलो गैस अब प्याज हम लोग काटते हैं। और गैस ये हमारा प्याज कट चुका है, हम लोग टमाटर काट लेंगे। और इसको निकाल लेंगे कटोरी में। चलो गाइस अब हम लोग आग जला लेते हैं। और गाइस ये हमारा आग जल चुका है, इसमें कढ़ाई डालेंगे हम लोग गर्म करने के लिए। ये चला गया हमारा कढ़ाई गरम होने, अब इसको फटाफट गरम होने देते हैं, इसलिए ज़्यादा जलाएंगे इसको। गैस हमारा कढ़ाई गरम हो चुका है, इसमें डाल देंगे तेल और इसका भी गरम होने देंगे पूरा, जितना कि हाथ गरम हो जाए। गैस जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है तब तक हम लोग इसमें मछली को हल्दी और नमक से सान लेंगे अच्छे से, ताकि तलने में मज़ा आए। गाइस हमारा तेल गरम हो चुका है, अब इसमें डाल देते हैं मछली को। एकदम सावधानी से डालेंगे, हाथ ना जला लें। ये हमारा सारा मछली डल चुका है। चलो गाइस इसको अब एक बार पलट देते हैं दोनों साइड पकाने के लिए। और गैस ये हमारा पक चुका है दोनों साइड से, अब इसको निकाल लेते हैं।
और गाइस हमारा मछली तल चुका है, अब इसमें ये परवल को तलेंगे अच्छे से एकदम। और गाइस इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं ताकि टेस्ट इसमें अच्छा है, और इसको पकाएंगे अच्छे से। और गाइस जब तक हमारा इधर परवल पक रहा है तब तक हम लोग इधर मसाला पीस लेते हैं। ये हमारा मसाले लहसुन मिर्चा और जीरा मरी। और गैस ये हमारा परवल पक चुका है, इसको निकाल लेते हैं। अब हम लोग इसको तैयार करने के लिए इसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। और गैस हम लोग रेसिपी बनाने के लिए अब हम लोग इसमें प्याज डालते हैं, अब इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं। प्याज जो है अच्छे से पकेगा। और ये हमारा मसाला भी रेडी हो चुका है, इसको अब हम लोग निकाल लेते हैं प्लेट में। और गाइस हमारा प्याज अच्छे से पक चुका है, अब इसमें हम लोग ऐड करते हैं टमाटर को। गाइस हम लोग सारा मसाला डालते हैं, सबसे पहले तो मिक्स मसाला डालते हैं पिसा हुआ। और ये हमारा कश्मीरी मिर्च, ये धनिया पाउडर, ये हल्दी पाउडर, ये नमक टेस्ट के अनुसार डाल देंगे और इसको अच्छे से पकाते हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं मसाले को अच्छे से पकाने के लिए, और थोड़ी देर इसको अच्छे से पका लेंगे। और गाइस कुछ इस तरह अच्छे से हम लोग पका लेंगे। देखो हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, इसमें हम लोग डालेंगे परवल को, और इसको भी अच्छे से पकाएंगे हम लोग मिक्स करके थोड़ा देर। और गाइस इसका जो ग्रेवी हम लोग बनाएंगे इसके लिए हम लोग पानी डाल देंगे। और गाइस हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करके हमके बताएं कि बोल कैसा लगता है वीडियो। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि हमारे ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे नोटिफिकेशन के द्वारा। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया दिल से, ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। और गाइस ये हमारा रेसिपी रेडी हो चुका है, अब इसको निकाल लेते हैं।